हम दरगाह में खेल रहे थे, उन लोगों ने गिल्ली डंडा खेल रहे थे, हमारी गिल्ली उधर चली गई तो उन लोगों ने नहीं दी। तो मौलाना से मैं एक बार कहने गया तो फिर दे दी थी उन्होंने, तो फिर छिना ली, तो फिर नहीं दी, तो उन लोगों ने बम फेंका मेरे पैर में लगा। तो एक और लड़का, ये लड़का था, इसकी ये गिट्टी बीच ली, इसको तो उन्होंने बचा लिया। तो फिर अजीम भाई था, उसको पहले बाइक में दे मारा, उस बाइक के हैंडल में पहले उसमें दे मारा, तो फिर अजीम के यहाँ पे चढ़ गए गर्दन पे, तो पेट पे चढ़ गए घने सारे। इतना बड़ा मामला कि मेरे बच्चे को 8 साल की उम्र में ही मार दिया गया है, और फिर पुलिस भी उस पर इतना ऐतराज़ नहीं करती है। पुलिस वाला से हम बोल रहे थे, वो कहे कोई बात नहीं, शांत हो जाओ, तुम शांत हो जाओ, कोई बात नहीं, ये इसका हम ज़रूर इसको जो सजा दिलवाएं, हमें और उल्टा हमें शांत कर रहा है। हमारा तो भाई दुनिया से जा चुका था, हमें उसका गम था। तो उसी टाइम 100 नंबर पर फ़ोन भी किया है, फिर यहाँ SHO साहब भी आए हैं, उन्होंने हमें ही धमकाया और कि आप इसको बवाल बना रहे हो, आप इस पर मतलब ऐसा नहीं करना है आपको, हम उनको देख लेंगे, और मतलब हमको ही उनको उन्होंने धमका। मैडम यहाँ तो माहौल बिल्कुल अजीब हो गया। जिस वक्त यह हादसा हुआ तो उस वक्त तो तमाम बच्चों ने अपने बैग में कपड़े रख लिए थे और जाने के लिए तैयार, और जो इनके माँ बाप हैं राजस्थान हरियाणा यूपी जहाँ जहाँ से बच्चे पढ़ने आए हुए हैं, तमाम के फ़ोन आ गए थे कि हम अपने बच्चों को ले जाएंगे यहाँ, तो ये लोग हर रोज़ ऐसे ही वाक़े करेंगे, ये बच्चा मार दिया कल को इनको भी मारेंगे, और ये तमाम बच्चे डरे हुए हैं। रात में एक बच्चे को पेशाब लग रहा था, उठा नहीं पेशाब, बिस्तर में ही पेशाब कर दिया उन्होंने बाहर, डर की वजह से, बाहर आने की वजह से तमाम के खौफ। अब पार्क में भी नहीं जा रहे, क्रिकेट खेलने जाते थे साइड में, यही पार्क है बक्सी पार्क, उसमें क्रिकेट खेलने के लिए हम नहीं जा रहे इसी डर की वजह से। मेरा बच्चा यहाँ मदरसे में 3 बच्चे पढ़ते हैं, और जो सबसे छोटा जिसका नाम अजीम है, उसके बारे में मेरे पास फ़ोन आया था, मैं घर पर था, मैं खेती में काम कर रहा था, तो हाफिज जी साहब का फ़ोन आया तकरीबन 10:30 बजे, और उसने कहा कि आपका जो अजीम है वो बेहोश है, होश में नहीं है, तो उसको हमने हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया है, आप जल्दी से आ जाएं। मैंने कहा हाफिज साहब आप मेरे बच्चे को क्या हुआ है ये तो मुझे बता दीजिए। उसने मुझे कुछ नहीं बताया और कहा कि आप थोड़ा जल्दी ही आ जाएं। तो मैं अपने खेत से ही फौरन रोड की तरफ चल दिया और रोड पे खड़ा रहा, और वहाँ मुझे सवारी नहीं मिली। उसके बाद मैं 1 घंटा तकरीबन खड़ा रहा, तो फिर दोबारा फ़ोन आया हाफिज साहब का कि आप कहाँ पर आ गए हैं। हाफिज साहब ने कहा कि मैंने कहा उससे हाफिज साहब से कि अभी तो मैं रोड पे ही खड़ा हूँ और कोई सवारी नहीं मिली है। हाफिज साहब ने कहा कि आप अकेले नहीं आए, कि गांव से जिम्मेदार 10-5 आदमी लेकर आए। तो मैंने गांव से को फोन गांव में फ़ोन किया, और वहां से 2 गाड़ियों में बैठकर हम दिल्ली आ गए। तकरीबन 3 या 4 बजे हम यहां पहुंचे, तो यहां पता चला कि मेरा बच्चा दुनिया से जा चुका है। तो उसके और यहां देखा कि यहां थोड़ी हालत गंभीर थी, सब आदमी गम में थे, और पता चला कि ये तो मेरे बच्चे को पड़ोसियों के बच्चों ने शहीद कर दिया गया।